हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, लेसन नंबर 3 आज एंड राइट का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेसन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। आप सभी का प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। लेसन नंबर 3 का एक ही वीडियो होगा, ठीक है। इसमें टोटल शुरू से लेकर अंत तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं, वो सारा का सारा कवरअप किया गया होगा, ठीक है। एंड्रॉयड फंडामेंटल एंड यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, ये आपका चैप्टर का नाम है जिसको हम लोग कवरअप करने वाले हैं आज पूरा टोटली तरह से, ठीक है। यानी एक वीडियो में लेसन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन नंबर 3 में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्टिव एंड एक्टिव लाइफ साइकिल क्या होता है, यानी एक्टिव के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे एक्टिव क्या होता है, ठीक है। एंड्रॉयड फंडामेंटल या यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, ये हमारा लेसन का नाम है। लेसन नंबर 3 हमने स्टार्ट किए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि ये मैं अपने जो कॉपी नोट्स होती है उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो है इसकी गूगल पे या पे कहीं पे भी इसकी अच्छे से नोट्स उपलब्ध नहीं है, तो आपको हम अपने नोट्स से जो है पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो एक्टिविटीज़ जो होते हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में होते हैं, जो उनका एक क्या होता है, एक्टिविटीज़ एक प्रकार का क्लास होता है जो कि एकल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो भी यूजर इंटरफेस होते हैं उनको क्या करता है, निर्देशित देता है, या फिर कह सकते हैं कि उसको सूचित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ जो है या एक्टिविटी जो होता है वह एक प्रकार का स्क्रीन को रिप्रेजेंट करने का एक क्लास होता है, जो कि कोई भी यूजर इंटरफेस जो होते हैं उसको निर्देशित करेगा। और साथ ही साथ स्मार्टफोन स्क्रीन पर यूजर की जो भी इंट्रैक्शन होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ों को संभालने का काम करता है एक्टिविटीज। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एक्टिविटीज़ क्या होता है, ठीक है। सिंपल से भाषा में हम समझेंगे कि एक्टिविटीज़ जो है एक क्लास होता है, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं उसमें हम लोग कोई भी स्क्रीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और कोई भी यूजर इंटरफेस जो होते हैं उसको क्या कर सकता है, इंट्रैक्शन दे सकता है। साथ ही साथ हमारे स्मार्टफोन स्क्रीन पर यूजर की जो भी हमारे पास इंट्रैक्टर होते हैं उस सारी चीज़ों को संभालने का काम करती है। आगे हम लोग एक्टिविटीज़ के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, यानी उसका जीवन चक्र क्या है एक्टिविटीज़ की, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए, C++ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं को हम कोई भी जैसे कोडिंग कर रहे हैं, C++ में कर रहे हैं या जावा में कोडिंग कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग को एक फंक्शन देना होता है जिसको डिक्लेयर करे बिना हम लोग प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेम टू सेम उसी तरह से अगर हम लोग एंड्रॉयड के अंतर्गत में अगर एक्टिविटी लाइफ साइकिल का अगर कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देना होता है ऑन क्रिएट, ठीक है, ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल बैक। तो ये अब बोल सकते हैं कि इसका एंड्रॉयड का एक क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग उसको कॉल करते हैं और इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्टिविटीज़ लाइफ साइकिल में बस इतना लिखेंगे कि ये C++ जावा प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेज जैसे होते हैं उनमें हम लोग कोई भी चीज़ों को शुरू करने के लिए मेन फंक्शन का यूज करते हैं। तो सेम टू सेम एंड्रॉयड जो होता है एंड्रॉयड सिस्टम में ऑन क्रिएट टू फंक्शन कॉल बैक का यूज करके, यानी इस मेथड का यूज करके हम लोग कॉल के साथ शुरू होने वाली एक्टिविटीज़ के साथ अपना प्रोग्राम को शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो कॉल बैक मेथड होता है, कॉल बैक मेथड का एक सीक्वेंस होता है जो कि एक एक्टिविटीज़ को शुरू करता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले हमारा स्टार्ट होता है, इसके बाद फिर यहाँ पर सेकेंड में जाता है जो प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद फिर काम करने के बाद फिर हमारा एंड होता है, ठीक है। तो एक एक हमारा जो है कॉल होते गया, यहाँ से यहाँ कॉल हुआ, यहाँ से यहाँ कॉल हुआ, इस तरह से कॉल होकर इसके बाद हमारा जो है प्रोग्राम रन होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे कह रहा है कि कॉल बैक मेथड जो होता है वो एक एक प्रकार का सिक्वेंस होता है जो कि एक एक्टिविटी से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल दिया हुआ है, एक्टिविटीज लाइफ साइकिल डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा लॉन्च किया जाता है एक्टिविटीज़ को, और साथ ही साथ जब हमने लॉन्च कर लिया तो हमने बताया कि स्टार्ट करने के लिए हम लोग जैसे उसमें मेन फंक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऑन क्रिएट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, ऑन क्रिएट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑन क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद फिर वो फिर ऑन स्टार्ट में जाएगा, ऑन स्टार्ट से के बाद फिर हमारा ऑन रिज्यूम जाएगा, ऑन रिज्यूम जाने के बाद फिर हमारा यहाँ पे एक्टिविटीज रनिंग में आएगा, ठीक है।
एक्टिविटीज रनिंग के आने के बाद फिर हमारा इधर रुक जाएगा, अगर उसको रुकना चाहे तो, ठीक है, वॉच कर सकते हैं। इसके बाद फिर लास्ट में हमारा जो है ऑन स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप फंक्शन का यहाँ पे लास्ट में हमारा यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑन स्टॉप हो सकता है, इसके अंदर में प्रोसेस होता है और हमारे जो भी यूज़र होते हैं वो सारे एक्टिविटीज़ को रिटर्न करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अगर जैसे मान लो कभी क्या हो गया कि जिस टाइम प्रोसेस हो रहा है उस टाइम अगर स्टॉप हो जाता है तो फिर कहाँ जाएगा, रीस्टार्ट होने जाएगा, फिर रीस्टार्ट होके फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू काम अपना करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लैपटॉप जो होते हैं या फिर कोई भी सिस्टम होता है तो पहले मैं जब खोलता हूँ रीस्टार्ट में लगा देता हूँ तो पहले तो वो बंद हो जाता है, बंद होने के बाद फिर वो फिर से रीस्टार्ट होता है, ठीक है, फिर खुलता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे प्रोसेस है कि अगर हमने एक बार क्रिएट किया है तो क्रिएट करने के बाद स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद ये फिर अगर बीच में स्टॉप हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा कि ये ऑन रीस्टार्ट करना होगा, फिर ये पे यहाँ पे जाएगा और फिर से वो स्टार्ट होगा, फिर प्रोसेस होगी, इसके बाद फिर हमारा आगे जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक्टिविटीज़ को फिनिश करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी शट डाउन यहाँ पे हमारा लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से फिगर हम लोग बना सकते हैं। इसकी PDF चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात यहाँ पे कि जो हमने अभी एक्टिविटीज़ के जो लाइफ साइकिल के बारे में देखा है या फिर उसके एग्जांपल देखे जिस हिसाब से, तो उसमें सबसे पहले हमारा आया था ऑन क्रिएट फंक्शन। तो हमने बताया कि जैसे कि और प्रोग्राम वगैरह करते हैं C++ जावा वगैरह करते हैं तो मेन फंक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड में ऑन क्रिएट फंक्शन का। तो ऑन क्रिएट फंक्शन जो है यह पहला कॉल बैक होता है जहाँ पर कि एक्टिविटीज पहली बार बनाई आती है उसे कॉल किया जाता है, पहली बार बना के क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें जो चीज़ें यूज हो रहे थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है। दूसरा हमारा था ऑन स्टार्ट का, यानी फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जो हमारा सेकेंड पोर्शन होता है उसमें हम लोग यूजर को एक्टिविटी दिखाई देते हैं और इस पर कॉल बैक को कॉल किया जाता है जिससे कि हमारा वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर अन रिज्यूम क्या होता है कि यह तब कॉल किया जाता है जब यूजर एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कोई जिस एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दे तब हमारा वो रिज्यूम होता है। चौथा में क्या था, अन पॉज, यानी ये रुकने का काम करता है, यानी रुकी हुई एक्टिविटी यूजर इनपुट प्राप्त नहीं करता है और किसी भी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करती है, तो उसके लिए ही इस फंक्शन का यूज करते हैं। ऑन स्टॉप, यदि कॉल बैक तब, यह कॉल बैक तब किया जाता है जब एक्टिविटीज दिखाई नहीं देती है, यानी अगर किसी प्रकार से रुक गई है तो इसकी हम लोग इस फंक्शन का यूज करते हैं और फिर से हमारा रीस्टार्ट हो जाता है। लास्ट में इधर और दिए गए हैं 2-3 जैसे कि डिस्ट्रॉय दिया गया है, तो डिस्ट्रॉय में आप सभी लोगों को पता है कि यह सिस्टम द्वारा एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कॉल बैक किया जाता है, और ये रिस्टार्ट जो होता है यह तब यूज किया जाता है जब एक्टिविटी को रोकने के बाद फिर से शुरू करना होता है। जैसे कि हमारे मोबाइल को अगर रोक के इसके बाद फिर से उसको स्टार्ट करना है, यानी बंद करके फिर से स्टार्ट करना है, तब हम लोग रीस्टार्ट का यूज करते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे ऑन रीस्टार्ट फंक्शन का यूज तब करते हैं जब हमारा कॉल बैक जो होता है उसको एक्टिविटीज़ को रोकने के बाद फिर से शुरू करने होते हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा परमिशन ऑन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में परमिशन हम लोग देते हैं, देखते होंगे कि बहुत सारे फ़ोन्स हैं, टैबलेट हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, कोई भी चीज़ हो तो उसमें हम लोग को परमिशन देने होते हैं। तो सेम टू सेम परमिशन का मतलब होता है कि अधिकार देना, क्या करना, अधिकार देना। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए परमिशन देते हैं तो आप उसको एक अधिकार देते हैं जिससे कि वो काम करता है। जैसे कि जीवन सिंपल जीवन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को अपने पास काम करने के लिए बुलाए हैं तो उसको एक परमिशन देते हैं कि ये काम आपको करने हैं, तो क्या हो गया कि हम उसको एक अधिकार दे दिए कि आपको ये काम करने हैं तो करने हैं। तो सेम टू सेम हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद हम लोग परमिशन देते हैं जिससे कि वो परमिशन को एक्सेस करता है, तब जाके हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ को एक्सेस करके वो चीज़ इंस्टॉल होता है और खुलता है और उस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम है कि परमिशन का मतलब होता है अधिकार देना, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को किसी भी स्पेशल वर्क करने के लिए परमिशन देना या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए दी गई, जो हमारे पास कंसेप्ट होता है या कह सकते हैं ऑथोराइजेशंस जो होते हैं उसको, वही हमारा क्या कहलाता है, परमिशन कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि
परमिशन ऑन एंड्रॉयड किसी भी कंप्यूटर की फाइल प्रणाली को सीधे एक्सेस करना एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा है कि कोई भी हमारा जो भी मसल्स हो या फिर कोई भी ऐप हो यूजर के डेटा पर चले, इसके लिए परमिशन प्रोवाइड की जाती है जिसको यूज करके यूजर किसी भी ऐप को रोक सकता है और उसको अपने अनुसार चला सकता है, यानी ऐप परमिशन एक्सेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐप परमिशन एक्सेस जो है अलग अलग तरीके से होते हैं, इसको हम लोग अभी समझेंगे। एंड्रॉयड में हम लोग को परमिशन देखिए तीन टाइप के पढ़ने होते हैं। पहला तो इंस्टॉल टाइम परमिशन, जब हम ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तब का, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे है रन टाइम परमिशन, जब हम ऐप को चला रहे होंगे तब का। तीसरा जो है हमारा स्पेशल परमिशन, ठीक है, जब हमारा सारा चीज़ हो गया हो तब एक लास्ट में परमिशन देते हैं, तब हमारा जाके ऐप जो है इंस्टॉल होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंस्टॉल टाइम परमिशन, यानी जब हम लोग ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो किस टाइप से दिखते हैं, क्या चीज़ें हमें मांगते हैं और क्या होती है ये सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल टाइम परमिशन हमारे ऐप को रिटिकेट या डेटा एक सीमित पहुँचा देती है और वे आपको ऐप के जो भी कार्य होते हैं उनको परमिशन देने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सारा चीज़ शो होने लगता है हमारे, सबसे पहले ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे शुरू टाइम में तो आपको कॉन्टैक्ट दिखा देगा, लोकेशन दिखा देगा, माइक्रोफोन, गूगल प्ले, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एक बटन आपको दे देगा और ये कहेगा एक्सेप्ट करने के लिए। अब क्यों, इसके भी एक बहुत सारा रीज़न होते हैं, किसी भी ऐप के पीछे अगर कोई भी परमिशन लेते हैं तो उसके पीछे रीज़न होते हैं। आप देखते होंगे कि आप जो चीज़ें सोचते हैं या फिर कभी अपने मोबाइल में सर्च कर लेते हैं या फिर उसको सामने बोलते हैं तो वो चीज़ आपके सामने आ जाता है। आप इमेजिन करते होंगे कभी कभी कि आप जो चीज़ कि मुझे ये चीज़ ख़रीदना है, जैसे कि आपको शूज़ ख़रीदना है या फिर आपको कोई भी चीज़ें ख़रीदनी है, आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदने हैं, तो आप अगर सोच दिए उस चीज़ को और सोचने के बाद यदि आप उसको मोबाइल अपने सामने बोल दिए कि मुझे जैसे कि जूते ख़रीदने हैं, अपने दोस्त से भी बात कर दिए, तो वो सारा चीज़ क्या करता है, जो मोबाइल होता है वो एक्सेस करता रहता है, ठीक है। तो आप अगर उसके सामने ऐसे बोलते हैं और कभी मोबाइल में अपने सर्च कर दिए तो आपको वही चीज़ हर जहां दिखेगा, चाहे आप जहां पे भी खोले आपको ऐड के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। आप जो भी चीज़ें खोलते हैं तो आपको ऐड के फॉर्म में वो सूझ दिखाई देगा जो आप सोचे रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सारी परमिशन जो है आपने पहले ही दे दिया है, आपने लोकेशन कर दिया है, माइक्रोफोन ऑन कर दिया है, बहुत जहाँ वीडियो भी ऑन कर देता है, कॉन्टेक्ट कर दिया है, तो सारी चीज़ें ये जो चीज़ें है वो सारे एक्सेप्ट आपने कर दिया है, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो सेम टू सेम हमारे इंस्टॉल परमिशन में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करते समय एक्सेप्ट करने होते हैं। एक खास बात यहाँ पे और बताया गया है कि एंड्रॉयड इंस्टॉल टाइम परमिशन के साथ में नॉर्मल परमिशन भी हम लोग कर सकते हैं, दूसरा सिग्नेचर परमिशन सहित भी करा लिया जाता है, तो इसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आगे हमारा देखिए रन टाइम परमिशन है, हमने इंस्टॉल तो कर लिया है, अब उसको रन कराने हैं, ठीक है। तो रन टाइम के यहाँ पे दिया गया है कि रन टाइम परमिशन जो है कैसे होता है। देखिए ऐप को रेजिटिकेटेड डेटा तक अतिरिक्त पहुँचने में प्रदान करती है, वो हमारे ऐप को रेजिटिकेटेड डेटा तक पहुँचने या उसके रिस्टार्ट कार्यों को करने के लिए, ठीक है, परमिशन देते हैं। और ये रन टाइम परमिशन प्राइवेट यूजर डेटा तक पहुँचाती है, ठीक है, जैसे अगर कोई भी प्राइवेट हो तो उसके तक पहुँचाती है। यहाँ पे इस तरह को आपको देखने को मिलते हैं आपके फ़ोन्स में, आप यहाँ पे इस फिगर को देखिए जहाँ पे कि आपको अलाउ ऐप टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल एंड योर डिवाइस, यानी आपके डिवाइस में आपके फाइल्स हो, फ़ोटो हो, मीडिया हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलाउ करने के लिए आपको देता है, दो ऑप्शन देता है, एक तो आप अलाउ कर सकते हैं, डेनी भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं कि आप अलाउ करेंगे तभी आपका वो खुलेगा, और बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं कि डेनी भी कर देंगे, माने उसको कट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। जो रन टाइम परमिशन हो गया, ठीक है, जब हम कोई ऐप को जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं, करने के बाद हमारा तो पहला प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है, तो प्रोसेस वो कम्प्लीट होने के बाद फिर हमारा रन टाइम परमिशन मांगता है। रन टाइम परमिशन कहने का मतलब है जब उसको हम चलाते हैं तो कोई भी चीज़ फाइल को अगर हमारे फ्रेंड्स को या फिर किसी अदर पर्सन को, किसी को भी अगर हम लोग वो सेंड करना है, ठीक है, अगर
कोई फाइल सेंड करना होता है तो हम लोग आते हैं अपने फाइल मीडिया में और वहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही भेजने की कोशिश करेंगे तो हम हमारा एक अलाउ मांगता है, कहता है कि फ़ोटो मीडिया एंड फाइल्स योर डिवाइस, यानी ऐप को अलाउ करना पड़ेगा ऐप में कि आप उसको भेजना चाहते हैं। अगर आप अलाउ करते हैं तभी आप फाइल्स मीडिया को भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ को भेज सकते हैं। आप डेनी कर देंगे तो आपको जो फ़ोटो है या कोई कोई जो भी फाइल्स हैं वो आप भेज नहीं सकते हैं। तो ये होता है रन टाइम परमिशन। आई होप कि यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि हम जब कभी भी आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि व्हाट्सअप पे जब आप नया शुरू में बता रहा हूँ कि जब आप नया इंस्टॉल करते हैं तो उस समय आपको अलाउ करना ही होगा, तब जाकर आप किसी को फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। आप एक बार इंस्टॉल करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल परमिशन है, ये थर्ड है जो कि इसका उतना इस्तेमाल नहीं होता है, बट कुछ स्पेशल ऐप होते हैं जिनको हम लोग को परमिशन देने होते हैं। तो इसमें जैसे खास कोई चीज़ें होते हैं, जैसे कि अगर लोकेशन ऑन बिना किए हम लोग अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो नहीं होता है, तो लोकेशन ऑन करना ही पड़ता है, और ख़ास से सेटिंग के अंदर में जाकर ये चीज़ें अलाउ करने होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल ऐप बोल सकते हैं, तो स्पेशल परमिशन हम लोग को स्पेशल ऐप में देने होते हैं। स्पेशल परमिशन स्पेशल एप्लीकेशन संचालन के लिए अनुरूप किया जाता है, और इसमें जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो OEM जो होते हैं स्पेशल परमिशन को परिभाषित करते हैं। तो स्पेशल इसमें ऐप चाहिए, ज़्यादा इसमें ऐप अलाउ नहीं होते हैं, बहुत सारे कॉमन ऐप है। तो इसको बस केवल आपको एग्ज़ाम में आए तो लिखना पड़ेगा। बाकी बात दो चीज़ें जो मेन थी, इंस्टॉल टाइम जो होता है ऐप परमिशन, और दूसरा हमारा रन टाइम परमिशन होता है, वो हमने आपको समझा दिए। एक हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिक यूजर इंटरफेस कंपोनेंट क्या होते हैं, यानी आपका यहाँ पे UI पूछेगा। ठीक है, कि UI क्या होता है, तो यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस कंट्रोल। एंड्रॉइड के वे होते कंपोनेंट होते हैं जो कि यूजर इंटरफेस की अधिक इंटरेक्टिव तरीके से डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि कोई भी हमारे सिस्टम्स जो होते हैं उस पर काफ़ी सारे अच्छे इंटरेक्टिव डिजाइन हो, उसको मतलब अच्छे से यूज करने के लिए हमारे यूजर इंटरफेस को यूज कर, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट यूज करते हैं, और हमें एक ऐसे एप्लीकेशंस को विकसित करने में हेल्प करता है जो कि व्यू कंपोनेंट के साथ यूजर इंटरेक्शंस को बेहतर बनाता है। तो टोटली कहने का मतलब है कि बेसिक यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमें अधिक इंटरेक्टिव तरीके से डिजाइन करने में हेल्प करते हैं, कोई भी एप्लीकेशंस को विकसित करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ है कि जो हमारा यूजर इंटरफेस कंट्रोल होता है, यानी जो एंड्रॉयड में, उसमें 60 टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। पहला तो आपका टेक्स्ट व्यू जो होता है उसको अच्छी तरीके से डिजाइन करना, एडिट टेक्स्ट जो होता है उसको अच्छी तरह से डिजाइन करना, बटन हो गया, रेडियो हो गया, इमेज हो गया, रेडियो बटन हो गया, इमेज व्यू फॉर इमेज हो गया, ठीक है, चेक बार हो गया, प्रोग्रेस बार हो गया। तो जो भी जैसे कि आपने कोई एक फाइल बनाया है, ठीक है, उस फाइल में जितने भी अच्छे इंटरेक्टिव करेंगे उतना ही वो अच्छा आकर्षक देखता है, यानी हमारे एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें को इन्वॉल्व करने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूजर इंटरफेस या बेसिक यूजर एंड्रॉयड कंट्रोल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि जो हमारा टेक्स्ट व्यू होता है, टेक्स्ट व्यू काम क्या करता है। तो जो टेक्स्ट व्यू होता है एक यूजर इंटरफेस कंपोनेंट होता है, कि यूजर इंटरफेस का कंपोनेंट होता है जो कि टेक्स्ट यूजर को अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाता है, और इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जिससे हमारा प्रोग्राम में दिखे। जैसे कि आप टेक्स्ट व्यू की बात करें, कोई भी हम लोग फाइल को बनाते हैं तो उस फाइल में कोई भी चीज़ गलत हो जाता है, तो यहाँ पर टोटली कहने का हमारा जो मतलब था कि इंटरेक्टिव या उसको कह सकते हैं मज़ेदार या अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग ये सारे कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा टेक्स्ट व्यू जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाने के लिए यूज होता है, जिसमें हम लोग दो टाइप का यूज करते हैं। और फिर हमारा आता है दूसरा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट को भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी यूजर इंटरफेस के जो कंट्रोल होते हैं उसके यूजर फेस के कुछ टेक्स्ट को हमें एडिट करना हो या एंट्री करना हो तो उसके लिए ये अनुमति देते हैं। इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक XML.फाइल से और एक एडिट फाइल, दो फाइलें होती हैं, इसके हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। बटन हो गया, तो बटन को भी सेम चीज़ काम होता है, यहाँ पे देखिए बटन का भी दिया गया है। तो बटन क्या होता है कि एक यूजर इंटरफेस जो है यूजर के द्वारा क्लिक करते ही कोई एक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसे भी दो तरीके से XML हो गया और दूसरा हमारा एक्टिविटीज़ हो गया। तो ये दो इसके भी फाइल्स होते हैं या दो तरीके होते हैं बटन्स को करने के लिए।
अब जैसे कि एक पेज हमने बनाया, एक वेब पेज हमने बनाया, इस पेज में एक लिंक हमने दे दिया जिसको बटन बोल सकते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करके हम दूसरे पेज में जा सकते हैं। तो ये हमारा एक कह सकते हैं कि डिजाइन देने का काम यूजर कंपोनेंट करता है। अगला हमारा टॉपिक है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, इवेंट हैंडलिंग इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्टकट समझेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आ पाएगा तो शॉर्टकट में समझेंगे कि जो हमारा इवेंट हैंडलिंग होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है मैनेज करना। इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है मैनेज करना। जैसे कि एंड्रॉयड में जो है जो भी चीज़ें होती है, बहुत सारे वर्क्स होते हैं, तो उन सारे वर्क्स को जो है कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं टोटली तरीके से कि इवेंट हैंडलिंग का यूज हम लोग मैनेज करने के लिए करते हैं, क्योंकि संपूर्ण एंड्रॉयड इवेंट हैंडलिंग में हम सभी कार्य को करते हैं जो कि क्रिया उपयोगकर्ता जो होते हैं उसको इंट्रैक्शन से संबंधित होता है, यानी जो भी यूजर इंटरफेस से संबंधित होगा वो सारी क्रियाएं को हम लोग करेंगे और मैनेज करते हैं। ये इवेंट जो होता है वो हमको इंटरेक्टिव घटकों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं से कम्युनिकेशन के बारे में डेटा को एकत्र करता है, तो ये हमारा मैनेज करने का काम करता है। एंड्रॉयड में तीन टाइप के हैंडलिंग को पढ़ते हैं, जैसे कि आपका इवेंट लिस्टेंस हो गया, इवेंट हैंडलिंग हो गया, इसके बाद इवेंट लिस्टेंस रजिस्ट्रेशन हो गया, ये तीन टाइप के होते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेआउट, ठीक है। अब लेआउट क्या होता है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेआउट के बारे में कि लेआउट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए लेआउट जो होता है, लेआउट का उपयोग किसी ऐप या एक्टिविटी जो होते हैं उसके लिए यूजर को इंटरफेस को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। माने जो भी हमारे पास यूआई है यानी यूजर इंटरफेस जो भी हैं उनको डिफाइन करने के लिए या परिभाषित करने के लिए हम लोग लेआउट का यूज करते हैं। ये लेआउट जो है हमारे ऐप या कोई भी एक्टिविटीज हो गया, यानी ऐप ही को मान लेते हैं, उसके यूजर इंटरफेस को परिभाषित करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखना है कि जो हमारा लेआउट होता है या यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स को रखेगा जो यूजर को दिखाई देगा, जो कि ये पांच टाइप से होते हैं लेआउट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पहला जो लेआउट है वो हमारा है लीनियर लेआउट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, पहला में लीनियर लेआउट बोलते हैं, दूसरा में अब्सोल्यूट मतलब अब्सोल्यूट लेआउट होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा हमारा टेबल लेआउट होता है, चौथा हमारा फ्रेम लेआउट होता है, और पांचवा जो होता है हमारा रिलेटिव लेआउट होता है, ठीक है। तो ये पांच टाइप के लेआउट हम लोग को पढ़ने होते हैं। एक इसकी खास बात यहाँ पे ये है, सबसे पहले लीनियर लेआउट के बारे में समझते हैं। लीनियर लेआउट जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कह सकते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल की बात करें या फिर हम लोग वर्टिकल की बात करें, ठीक है, ये भी दोनों में विभाजित कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका यह भी मतलब होता है कि सिंगल कॉलम या सिंगल रो में व्यू को अरेंज भी कर सकते हैं, यानी सिंगल रो हो या फिर कॉलम है दोनों में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है दोनों में विभाजित किया जा सकता है। और यहाँ पे लीनियर लेआउट जो होता है वर्टिकल का कोड होता है, जिसके एक हम लोग टेस्ट व्यू भी शामिल कर सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे दूसरा हमारा लेआउट है जो कि अब्सोल्यूट लेआउट है। इसका काम होता है कि कोई भी चिल्ड्रेन के जो मतलब एग्जैक्ट जो लोकेशन होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए या इनेबल करने के लिए इसको बनाया गया होता है, यानी कोई भी जो भी पर्सनस होंगे यूजर इंटरफेस होंगे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है उसको स्पेसिफाई करने के लिए इसको इनेबल कर सकते हैं। टेबल लेआउट का काम करता है कि टेबल लेआउट्स पूरे जितने भी हमारे पास रो एंड कॉलम होते हैं उनको सारे जो डेटा होते हैं उसको दिखाई देते हैं। चौथा हमारा फ्रेम लेआउट है, तो फ्रेम लेआउट का क्या काम होता है, फ्रेम लेआउट जो होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव लेआउट जो होता है, आपको यह स्पेशल या स्पेसिफाई करने में इनेबल करता है कि जो हमारे चाइल्ड व्यू है वो एक दूसरे के सापेक्ष कैसे पोजीशन में है या किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं या किस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। रिलेटिव लेआउट क्या होता है कि ये फ्रेम लेआउट जो होते हैं, फ्रेम लेआउट जो हमने ये पढ़े, तो फ्रेम लेआउट स्क्रीन पर एक प्लेस होल्डर है जिसकी आप इस सिंगल व्यू प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करते हैं, यानी इसमें हम लोग सिंगल व्यू को प्रदर्शित करने के लिए रिलेटिव लेआउट का यूज करते हैं। तो ये लेआउट थे जो पाँच टाइप के थे। अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटेंट, ठीक है। अब ये इंटेंट क्या होता है इसके बारे में चलिए समझते हैं। देखिए इंटेंट जो है हमारा एक इंटेंट एक मैसेज ऑब्जेक्ट होता है जिसका उपयोग हम लोग किसी अदर जो ऐप होते हैं उसके कंपोनेंट से एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसको स्टार्ट द सर्विस यानी सर्विस को स्टार्ट करने हैं तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा लॉन्च
एंड एक्टिविटीज़, उसके एक्टिविटीज़ को लॉन्च करने हैं, तो आप डिस्प्ले या वेब पेज को डिस्प्ले करना हो, या फिर हमारा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्प्ले करना हो, ठीक है, या फिर हम लोग किसी प्रकार से बोर्ड करना हो या मैसेज को भेजना हो, ठीक है, डायल अप फ़ोन नंबर, कॉल बैक, इस तरह के चीज़ों के लिए हम लोग इसका इंटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटेंट जो है इम्पोर्टेंट है, इसको लगा लेंगे सभी लोग। इंटेंट जो है इन सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इंटेंट के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को दो टाइप में पढ़ने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। इंटेंट दो टाइप के हैं, पहला जो हमारा है वो है हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट और दूसरा है हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है। ये दो हमारे इंटेंट हैं। तो बस इस लेसन में यानी लेसन नंबर 3 में जो है बस इतने ही टॉपिक थे। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टॉपिक आपके लेसन नंबर 3 से पूछने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी हमने बता दिए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बस आज के क्लास को बस इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं, और लेसन नंबर आपका 3 जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4, ठीक है। लेसन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 4, ठीक है, और इसको भी एक वीडियो में क्लोज कर देंगे, फिर 5, 6, 7 और 8, इसी तरह से हम लोग 4 दिन और क्लास लेंगे और एंड्रॉयड जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएँ।